अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बाकर अली। आज की वीडियो जो है वो एनिमेशंस के बारे में है। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एनिमेशंस वीडियोस कैसे बना सकते हैं, क्योंकि एआई का ज़माना है, हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है और उसे लाखों डॉलर कमा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चैनल दिखाऊंगा, ये किड्स एनिमेशंस वीडियोस का चैनल है। आप इनकी जो है व्यूज़ देख सकते हैं, 3.6 मिलियन व्यूज़, 1.4 मिलियन व्यूज़, 2.4 मिलियन व्यूज़। तो इन्होंने जो है एनिमेशन वीडियो सिंपली बनाई हैं और चैनल पे अपलोड की हैं, और उससे ये जो है लाखों डॉलर कमा रहे हैं। उसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखें, मंथली ये आसानी से 6,000 डॉलर से लेके 100,000 डॉलर्स तक कमा रहे हैं, और ईयरली इनकी जो रेवेन्यू है वो है 1.2 मिलियन। तो इसी तरह आप भी जो है आसानी से वीडियोस बना सकते हैं। मैं आपको टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आप फॉलो करते हुए आसानी से इतनी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। विदाउट फर्दर डिले, सबसे पहले जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वीडियो 5 स्टेप्स पे डिवाइड होगी। और सबसे पहले हमने जो है चैट जीपीटी पे आना है। चैट जीडीपी पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यूज़र नेम और ईमेल डाल के आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है। फिर आपने जो है एक स्क्रिप्ट है वो लेनी है। स्क्रिप्ट लेने के लिए आप जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मेरी जो स्क्रिप्ट मैंने कॉपी की हुई है जी, ये देखें, राइट अ चाइल्ड लर्निंग स्क्रिप्ट अबाउट वेरियस वर्ड्स। आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट को जनरेट कर लेना है। जनरेट करने के बाद आपने जो है इसको कॉपी करके गूगल डॉक्स पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसी तरह जो है जो सेकंड है उसको भी आपने आके गूगल डॉक्स में पेस्ट कर देना है। फिर तीसरी को आपने जो है आके गूगल डॉक्स पे पेस्ट कर देना है। इस तरह आपने जो है इस स्टेप को अगेन एंड अगेन रिपीट करना है और स्क्रिप्ट को यहाँ पे जो है पेस्ट करना है। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप जो है इस स्क्रिप्ट को हमने वॉइस देनी है, उसके लिए हमने आना है क्रेडो एआई वेबसाइट है, फ्री ट्रायल पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जो है ये मेन पेज की तरफ आपको लेके आएगा। उसके बाद आपने एआई टेक्स्ट डबिन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपने जाना है गूगल डॉक्स, जो सबसे पहला जो है पैराग्राफ उसको आपने वॉइस देनी है। देने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ऑडिशन पे क्लिक करना है। Hello, young explorers. Welcome to a wonderful journey where we'll dive into the fascinating world of birds. Birds come in all shapes. ठीक है, आप जो है लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं, अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज, यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप करेक्टर जो है वॉइस है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर आपने कंफर्म करके इसको डाउनलोड कर लेना है। इस तरह आपने इसको डाउनलोड कर लिया। यही आपने जो स्टेप्स है उसको ओवर एंड ओवर रिपीट करना है जब तक आपकी स्क्रिप्ट पूरी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप पे आपको इस वॉइस को करेक्टर देने हैं। करेक्टर देने के लिए आपको आना है अडोबी एक्सप्रेस में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर आपने क्लिक करना है मेक एनिमेशन फॉर यूट्यूब। ठीक है, ये आप करेक्टर, ये मैंने पहले से ही चूज़ किया हुआ है। ये करेक्टर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम बर्ड्स के रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए जो है हमें इस तरह का बैकग्राउंड भी अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें, ये भी चेंज हो जाएगा। समर फॉरेस्ट पे जा सकते हैं, फॉल पार्क में जा सकते हैं। फिर साइज़ पे आके आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पर भी अपलोड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। शॉर्ट्स करना चाहें शॉर्ट्स कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपने इसको वॉइस ओवर देना है, वही वॉइस ओवर जो हमने डाउनलोड किया था, जैसे कि ये वाला वॉइस ओवर है। ये वॉइस ओवर जो है थोड़ा सा टाइम लेगा अपलोड होने में।
ये जो आप वॉइस यहाँ पे अपलोड करेंगे, ये आपने स्टेप्स को बार बार रिपीट करना है। जैसे आपकी जो स्क्रिप्ट है वो पूरी नहीं हो जाती, उसी तरह आपने बार बार जो है अपनी वॉइस को यहाँ पे जनरेट करना है करेक्टर्स के साथ। ठीक, रैपिंग अप, इसको प्ले करते हैं। Hello, young explorers. Welcome to a wonderful journey where we'll dive into the fascinating world of birds. Birds come in all shapes. ठीक है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद ये डाउनलोड हो गया इस तरह, फिर आपने बैग पे जाना है। बैग पे जाने के बाद दोबारा से जो है आपने करेक्टर को योर चूज़ कर लेना है। इसकी जगह ये वाला करेक्टर आप चूज़ कर लें, इसको आप एडजस्ट कर लें। ठीक है, बैकग्राउंड अगर आपने चेंज करना है तो कोई और बैकग्राउंड दे दें, स्प्रिंग सीजन का बैकग्राउंड दे दें। उसी तरह ही आपने रिप्लेस ऑडियो करनी है। यहाँ पे जाके जो हमारी सेकंड ऑडियो थी उसको अपलोड कर सकते हैं आप। तो इस तरह जो है आपने अगेन एंड अगेन, जब तक आपकी जो है स्क्रिप्ट वो पूरी नहीं होती है, तब तक जो है आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है, ताकि आपके पास 5 से 6 वीडियोस आ जाएं और आप आसानी से जो है इसको अपलोड कर सकते हैं। ये भी अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपने पेशेंट रहना है, सब्र का पैमाना लूज़ नहीं करना, क्योंकि हर अच्छी चीज़ को जो है जनरेट होने में टाइम लगता है। अच्छा जी, रैपिंग अप, इसके बाद आपने प्ले करके देख लेना है। ठीक Narrator, birds come in all shapes. है, डाउनलोड कर लेना है। ये आपने इसको डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपने वीडियो को एडिट करना है। उसके बाद जो है आपने कैनवा पे आना है। कैनवा पे आने के बाद वीडियोस पे आना है, फिर यूट्यूब वीडियो पे आना है। ठीक है, यूट्यूब वीडियो पे आने के बाद आपने एलिमेंट्स पे जाना है। एलिमेंट्स पे आप फॉरेस्ट क्लिक कर लें, फॉरेस्ट बैकग्राउंड, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये चूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आप ट्रीज, क्योंकि हमारे बर्ड्स के रिलेटेड वीडियो है, तो हम यहाँ पे ट्रीज जो है एज एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। इसको चूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसा लगा सकते हैं, फिर इसको यहाँ पे लगा सकते हैं नीचे। ठीक है, इसको आपने अगर एनिमेटेड बनाना है तो तब भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया, फिर आपने जो है, क्योंकि हमारे ये जो वीडियो है वो बर्ड्स के रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे आके अपने करेक्टर को देख सकते हैं। तो कोई भी करेक्टर आप चूज़ कर सकते हैं। आप कैसे चूज़ करेंगे, यहाँ पे आके आपने उसी एलिमेंट्स पे ही बर्ड्स लिखना है, तो बर्ड्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये है, काफ़ी आपको जो है एनिमेशंस बर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे ये बर्ड्स है, इसको आप जो है यहाँ पे लगा दें। ठीक है, उसके बाद करेक्टर आप देख लें कौन सा करेक्टर है। कोई भी करेक्टर हो सकता है, पीकॉक है, पैरट है, पैरट ले सकते हैं आप यहाँ से, ये करेक्टर आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इस तरह जो है आपने स्टेप्स को बार बार फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले आपने जो है अपनी वीडियोस जो हमने अपलोड, जो हमने बनाई थी,
वो आप जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला ऑडियो है। इस तरह आप अपनी वीडियोस अपलोड करके ये जो वीडियो आप बना रहे हैं इसको इसके साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। जैसे कि इसे 6.3 है तो ये भी आप कोशिश करें कि ये भी 6.3 तक हो, ताकि जब आप इसको एडिट करें एडिटिंग सॉफ्टवेयर में तो आपका जो ये वाली वीडियो है और आपकी जो वॉइस ओवर है वो एक दूसरे के साथ मैच हो सके। ठीक है, तो ये जो है हमारा 4 स्टेप ये भी कंप्लीट होता है। अब हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं, जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए आप जो है फिल्मोरा को यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे आप जो है इंपोर्ट फाइल करें जो आपने डाउनलोड की हुई हैं वीडियोस 1, 2, 3, ये आपकी वीडियोस, इसको आप अपलोड करें। और उसके बाद जो है कैनवा वाली, इसको आप सेव करें, यहाँ पे आके डाउनलोड कर लें, ये डाउनलोड होगी। फिर इसके बाद आप जो है दोबारा से इंपोर्ट पे जाएंगे, अगर वीडियो डाउनलोड होगी है तो उसको आप डाउनलोड कर लें, नहीं तो आप वेट करें जब तक वो डाउनलोड नहीं होती। डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको पेशेंट रहना है, हर अच्छी चीज़ बनने में डाउनलोड होने में टाइम लगता है। लेकिन ये जो सारी डाउनलोडिंग है अपलोडिंग है इसको आपने पहले से ही ऑब्वियसली सेव करके रख लेना है, ताकि जब आप वीडियोस एडिट कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो और आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए। ठीक है, ये हमारी वीडियो डाउनलोड होगी। उसके बाद जो है हमने सॉफ्टवेयर पे आना है, सॉफ्टवेयर पे आने के बाद इसको जो है अपलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे कि हमारी ये वॉइस ओवर है, ये आपको जो है सेकंड लेयर पे लेके आनी है। ठीक है, और ये हमारी वॉइस ओवर आ गई, फिर उसके बाद जो हमारी वीडियोस हैं उसको आपने फर्स्ट लेयर पे ऐसे लेके आना है। ठीक है, इसको आपने प्ले करना है। नरेटर, बर्ड्स कम इन ऑल शेप्स साइजेस एंड कलर्स, लेट अस मीट सम ऑफ आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपकी जो वीडियो है आपके वॉइस ओवर के साथ मैच हो रही है। इस तरह आपने जो है इस स्टेप को अगेन एंड अगेन रिपीट करना है जब तक आपकी जो है वीडियोस वो सेव वो प्रॉपर एडिट नहीं हो जाती। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट पे जाना है। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद आपने जो है इसको अपने फोल्डर पे वीडियोस के उसको सेव कर लेना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।